नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई 2023 के हमारे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। ये वीडियो वैसे आपको कल मिल जानी चाहिए थी, बट कुछ रीजंस की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। खैर, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उन आर्टिकल्स में पहला तो रहेगा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकम सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर इंश्योर करने के लिए अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया राजस्थान असेंबली में, तो उसको लेकर के आर्टिकल है। एक आर्टिकल हम देखेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जितने भी टूल्स हैं, क्या वो सोशलिस्ट हो सकते हैं। एक हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इसमें बहुत शानदार एंगल है, वो समझेंगे। और एक आर्टिकल की हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वो है मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेना चाहता है उसके क्या प्रोविजंस हैं। तो ये चार आर्टिकल्स हैं, तीन को डिटेल में देखेंगे, एक की मैं इंपॉर्टेंट लाइन आपको हाईलाइट करके दे दूंगा। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी लिमिट्स ऑफ वेलफेयर। ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023 वो राजस्थान असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें आप देखोगे राइट बेस्ड अप्रोच पे काम किया जा रहा है। दैट मीन्स जो सिटीजन्स हैं, राजस्थान के रेजिडेंट्स हैं, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और ये एक प्रोग्राम तैयार करने की बात की जा रही है। मेन टारगेट रहेगा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना राजस्थान के जो रेजिडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पर तीन मेन एरियाज हैं जिन पर ये बिल फोकस करता है। पहला तो है द राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम, दूसरा है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। राइट टू मिनिमम गारंटी इनकम दैट मीन्स कि अपनी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए मंथली बेसिस पे, उस चीज़ को अश्योर करना। दूसरा, रोजगार की व्यवस्था, चाहे शहरों में करो चाहे गांवों में करो, दोनों तरफ। जैसे शहरों में राजस्थान गवर्नमेंट की अपनी स्कीम चल रही है पर उसको एक मर्ज करके अपनी तरफ से एक पुश देना चाह रही है गवर्नमेंट, और दूसरी तरफ नरेगा पता आपको गाँवों में रोजगार देती है ही। और तीसरी पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी पेंशन। मान लो समाज में कुछ लोग हैं जिनके चांसेस ये हैं कि वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, उनको रोजगार मिलता नहीं है, मिल भी जाता है तो काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उनके लिए पेंशन का प्रोविज़न की भी यहाँ पे किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है ये सारी की सारी वेलफेयर अप्रोच है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट को उसके बेसिस पे वेलफेयर अप्रोच है, ठीक है। इसके अलावा बजट अनाउंसमेंट के टाइम पे, बजट जब आया था राजस्थान गवर्नमेंट का, तो उसमें इसके बारे में प्रोविज़न पहले ही डाल दिया था कि गवर्नमेंट इस तरीके का इंटेंशन रखती है। इसके अलावा गवर्नमेंट गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट है वो भी लाने की बात कर रही है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं, ठीक है, या फिर जिनका काम है उतना काम करो और जाओ, पेमेंट आपको अकॉर्डिंगली आपकी आवर्ली बेसिस पे मिल जाएगा। तो गिग वर्कर्स की वेलफेयर के लिए एक तो गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है और उनके लिए काम, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ज़्यादातर काम जो है वो गिग इकोनॉमी बेस्ड होता है, मतलब ऑन कॉल जॉब मिलती है, जितना काम है उतनी जॉब मिलेगी, फिर काम कंप्लीट आप जाओ दूसरी नौकरी ढूंढो, ठीक है, तो वो सिनेरियो है। तो उसको भी प्रोटेक्शन देने की गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है। अब देखो, बात ऐसी है कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्कीम्स चलाना जिसमें वो सब्सिडी भी देती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, कैश पेमेंट भी देने की बात कर रही है, और यहाँ पर अब मिनिमम गारंटी इनकम की बात भी कर रही है, तो इस तरीके की पॉलिसीज बोलो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा देती है, और इसके फायदे जितने होने चाहिए बोले उससे ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं सरकारों को, चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो। तो यहाँ पर एजेंडा क्या है राजस्थान गवर्नमेंट का? देखो, यहाँ पर एजेंडा तो मेन ये निकल के आ रहा है कि 125 दिन का गारंटीड जॉब है वो मिल जाए गाँव में और शहरों में। अब आपको पता ही है कि गाँव के लिए तो नरेगा ऑलरेडी चल रही है, तो शहरों के लिए एक अच्छे से एक प्लान तैयार किया जाए। तो यहाँ पर एक तो ये एजेंडा है एम्प्लॉयमेंट देना और इनकम बेस प्रोवाइड करना। इसके अलावा वो इंडिविजुअल्स जो काम करने में सक्षम नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई स्पेशली डिसेबल्ड है, सिंगल वुमेन है, विडो है या बूढ़े लोग हैं, तो उनके पेंशन के लिए भी प्रोविज़न किए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर जिन आइडियाज़ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसमें एक तो मिनिमम इनकम इंश्योर करना राजस्थान के जो सिटीजन्स है, एग्जैक्टली ये बात है कि ये डिज़ायरेबल है, होना चाहिए। दूसरी तरफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गारंटी स्कीम लाई जाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि नरेगा गाँव के लिए ना एमजी नरेगा, मतलब वैसे ही शहरों के लिए भी एक स्कीम लाई जाए। वैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स करती रहती है,
ठीक है, तो उस स्कीम के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखो क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्या कंसर्न्स हैं राजस्थान गवर्नमेंट के इन इश्यूज से। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि राजस्थान में आप देखोगे गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा शहरों में जो रोजगार की डिमांड है वो सीजनल नहीं है, वो थ्रू आउट ईयर मेंटेन रहती है। आप समझो इस चीज को कि नरेगा को इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि नरेगा में तो लोगों को 125 दिन की, वैसे तो 100 दिन का काम मिलता है, पर राजस्थान गवर्नमेंट 125 दिन का काम देती है। तो उसमें क्या होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट 25 दिन एक्स्ट्रा दे रही है, और इसमें नरेगा में क्या होता है, ज्यादातर लोग वही काम करने के लिए आते हैं जो खेतों में काम करते हैं, जिनकी खेती है, और ऐसी परिस्थितियों में जब सीजन उनके फेवर का नहीं होता है खेती का तो उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में गांवों में तो सीजनल जॉब डिमांड रहती है और शहरों में ये सीजनल नहीं होता, नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे में नरेगा जैसी स्कीम को शहरों में इंप्लीमेंट करना बोला है गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा, पहली चीज। दूसरी ये बताई जा रही है कि आप क्या काम करवाओगे शहरों में, कौन से पब्लिक वर्क्स है वो करवाओगे। अब सीधी बात है, पब्लिक वर्क्स को अगर टैकल करना करवाना वो काम किसका होगा, अर्बन लोकल बॉडीज का, जैसे छोटे टाउन्स हैं तो म्यूनसिपैलिटीज हो गई, मिडिल इंटरमीडिएट साइज के कोई टाउन है तो वहां पर आपको पता है म्यूनसिपल काउंसिल काम करेगी, और कोई बड़ी सिटी है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहां पे काम करेगा। तो बोला इन अर्बन लोकल बॉडीज के लिए बोला बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी कि कौन सा काम करवाना है कौन सा नहीं करवाना। और राजस्थान उन स्टेट्स में से है जिन स्टेट्स में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास में इनकम जितनी होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वेलफेयर अप्रोच के चक्कर में पॉपुलिस्ट स्कीम में खर्च कर दिया जाता है। दैट मीन्स लोक लुभावन वाली जो स्कीम्स होती हैं बोलो उनमें पैसा खर्च करने की वजह से कहीं ना कहीं पैसे की आ जाती है शॉर्टेज, और जो काम एक्चुअल में होने चाहिए वो काम नहीं हो पाते हैं, और सरकार जो है वो वोट बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। और साथ में जो ये नरेगा या फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो बोला इसमें जॉब्स की अगर डिमांड आती है ना तो इससे तो बढ़िया प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करो ना। आप क्यों प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करने में फेल हो रहे हो जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नरेगा जैसी स्कीम्स में काम करने को मिलता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि एक तो आपकी फिस्कल डेफिसिट कंट्रेन रहे, दैट मीन्स आपके पास जितनी इनकम है उससे उसका एक हेल्दी हिस्सा आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में डालो, ना कि आप वेलफेयर, मतलब एक तरह वेलफेयर बोल रहा हूँ बार बार, पॉपुलिस्ट अप्रोच में मत डालो। वेलफेयर तो खैर स्टेट का काम है, करना ही होगा, ठीक है। साथ में आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है कि राजस्थान गवर्नमेंट है ना सबसे ज़्यादा फ्रीबीज बांटने वाली सरकार में से एक है। आरबीआई की रिपोर्ट ने क्या कहा 2022-23 की में कि जितना टैक्स रेवेन्यू आता है उसका राजस्थान गवर्नमेंट 8.6% तो केवल फ्रीबीज में ही खर्च कर देती है। तो ऐसे में बोला है ये कहीं ना कहीं अप्रोच अच्छी नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट को समझदारी से आगे चलने की ज़रूरत है। फिर लास्ट में एक बात बोली जाती है कि देखो पॉलिसीज तो इंटेंशन एकदम सही है, पर इकोनॉमी की एबिलिटीज को भी तो समझना पड़ेगा ना कि आप कितना सक्षम हो इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोडक्टिव फॉर्म के जॉब्स क्रिएट हो, ना कि आप एक तरीके से पैसिव मैनर में किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो। सोशल प्रेशर को हमें वाकई में ख़त्म करना है, पर आप फिस्कल प्रेशर लेकर के सोशल प्रेशर को ख़त्म करोगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो सस्टेनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है, लो और लो एंड स्किल स्पेक्ट्रम पर हमें ध्यान देना होगा। दैट मीन्स हमें इंडिविजुअल जो यंगस्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयबल बनाना होगा, उनको अपस्किल करना होगा, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन नो डाउट इनकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, और जो हमारी सोसाइटी में डाउन ट्रोडन सेक्शन है उनकी अपवर्ड मोबिलिटी होनी चाहिए। जो सोसाइटी में पीछे हैं या नीचे हैं उनको उठा करके हमें ऊपर लाना है, तो उनको सक्षम बनाने की ज़रूरत है, ना कि उनको बैसाखी पकड़ाने की ज़रूरत है। तो पॉइंट यहाँ पर ही आ रहा है कि आप कैपेबल बनाओ यंगस्टर्स को, प्लस प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करने के माहौल को ज़्यादा एनकरेज करो बजाय कि पैसिव सपोर्ट जो आप दे रहे हो। वेलफेयर अप्रोच नो डाउट मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये होना चाहिए और ये अच्छी बात भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बिना मेहनत के या फिर कोई काम भी नहीं है तो भी आप फिर प्रेशर ले रहे हो। तो यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहा है कि भाई प्रोडक्टिव चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी कम्युनिस्ट, आर्टिकल को लिखा है मेनका गुरुस्वामी जी ने। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज हम देखें
तो क्या आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे राइटर के, जैसे कि क्या कार्ल मार्क्स या माओ त्से-तुंग या फिर आयन रैंड ऐसे स्कॉलर्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? क्या स्टेट कंट्रोल कर सकता है, सरकार जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई आइडियोलॉजी फॉलो कर सकता है, या फिर जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, जो मशीन्स भी आपने तैयार की, वो क्या उनको एकदम रिलीजियसली फॉलो करेगा, या फिर क्या सोशलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट या कोई फेमिनिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल तैयार हो सकते हैं? तो ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का मुद्दा क्यों है, तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। 11 अप्रैल को चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस रिलीज किया जाता है, ठीक है, साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना के द्वारा आप देखोगे एक नोटिस रिलीज किया जाता है। नोटिस का टाइटल है पब्लिक सोलिसिटेशन ऑफ कमेंट्स ऑन द मेजर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज। कहने का मतलब कि जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे हम तैयार करें जिससे कि चाइना के लिए वो चीज़ें एडवर्स ना साबित हो, चाइना की पब्लिक के लिए और चाइना की जनता के लिए, ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट के लिए और चाइना की पब्लिक के लिए, मैंने दोनों बातें एक ही बोल दी। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। देखो, ये चाइना में जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो नोटिस रिलीज किया गया है, इस नोटिस में साइबर, ये जो आप कह सकते हो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या होता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो फॉर्म होती है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ चीज़ें जनरेट करे, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियोस, कोड्स या कोई और कंटेंट, जिसमें उनकी खुद की एल्गोरिदम होती है, खुद की प्रोग्रामिंग होती है, खुद के कुछ मॉडल्स होते हैं आर्टिफिशियल टूल्स के, प्लस रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके और ये कंटेंट तैयार किया जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है, मान लो आपने कोई एक्स वाई जेड करके कोई टूल तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, अब उसमें आप क्या करोगे, उसकी प्रोग्रामिंग सेट करोगे पहले, जब टूल पहली बार बनेगा, और उस प्रोग्रामिंग को आप जो भी कोडिंग कर रहे हो या जो भी आप उसमें प्रोग्राम डालना चाह रहे हो, जो भी उसका फॉर्मेट बनाना चाह रहे हो, उसके लिए कुछ मॉडल, कुछ रूल्स, इनको फॉलो करोगे, फिर उस मशीन की एक तरीके से ट्रेनिंग होगी, वो मशीन को सिखाया जाएगा कि आप देखो लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे गाना गाते हैं, कैसे टाइप करते हैं, फिर वो मशीन जब सीख जाएगी तो उसी चीज़ को रेप्लिकेट करती रहेगी, आगे रिपीट करती जाएगी। तो बोले इस तरीके की मशीनें जो हैं जब कोई चीज़ को क्रिएट करने में यूज होती हैं, तो ऐसी मशीनों को ही हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजी को ही जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया कि चैट जीपीटी है, ये एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस है। इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग, दैट मींस ये आपने प्रोग्राम तैयार कर दिया चैट जीपीटी का, ये प्रोग्राम का प्रोसेस होता है सीखने का। इसका मतलब कि जो कोई भी चैट जीपीटी को यूज़ करेगा, वो चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली उन यूजर्स के बिहेवियर को लर्न करने की कोशिश करेगा, और फर्दर जब चैट जीपीटी को कोई यूज़ करेगा और उसी तरीके से यूटिलाइज करना चाहता है जैसा कि यूजर्स ने पहले यूज़ किया, तो ऐसे में वो चैट जीपीटी पहले के यूजर्स से सीखी हुई बातों को रेप्लिकेट करता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो चैट जीपीटी सीखता है और फिर उसका यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि क्या चैट जीपीटी के द्वारा दी हुई सर्विसेज सही है या गलत है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, एक्यूरेट है इनएक्यूरेट है, या मैच्योर है या इमैच्योर है। कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे सवाल इन पे रहते हैं, क्योंकि मशीन कैसा परफॉर्म करेगी ये हम नहीं कह सकते। तो ये सारे कंटेक्स्ट को देखते हुए राइटर जो है वो आगे बोलना चाह रही हैं कि ये जो चाइना का ड्राफ्ट रिलीज हुआ है ना, इसमें क्या बोलना चाह रही है चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना का जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। उनका ये कहना है कि ये जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टूल्स हैं, इनको कोई यूज़ करना चाहे या फिर इनकी प्रमोशन अगर चाइनीज इकोनॉमी या चाइनीज सिस्टम में हो, तो उसमें पब्लिक का क्या सोचना है, पब्लिक उस पर फीडबैक दे। अब पब्लिक से फीडबैक क्यों मांगे जा रहे हैं, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है पब्लिक के ओपिनियन, दूसरा क्या रूल रेगुलेशन बनाने हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए चाइना में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट नोटिस है वो रिलीज हुआ है। अब राइटर जो है वो बोल रही हैं कि इस ड्राफ्ट नोटिस में आर्टिकल 4 को अगर हम स्टडी करें,
तो इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज होंगी उनको क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करवाना है, सोशल मोरालिटी को वो कॉम्प्रोमाइज ना करे, पब्लिक ऑर्डर को वो डिस्टर्ब ना करे, गुड कस्टम, दैट मींस चाइनीज गवर्नमेंट जो कुछ भी सिस्टम रन करा रही है वो कंटिन्यू होता रहे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नया कोई भी टूल बने तो उसको चाइनीज सिस्टम अपने हिसाब से रन कराना चाहता है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। और यहां पे देखो इस ड्राफ्ट के आर्टिकल 4 में क्या मैंडेट किया है, एम्बोडी कोर सोशलिस्ट वैल्यूज। इसका मतलब ये हो गया कि जो सोशलिज्म का पैटर्न है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है जिसमें गवर्नमेंट सारे रोल प्ले करती है इकोनॉमी के एस्पेक्ट में, तो बोले वो चीजें यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी चाइना में टूल्स तैयार हो उनमें हम कैसे डाल सकते हैं, इस पर पब्लिक का ओपिनियन लिया गया है, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर ये कोशिशें की जाएगी कि सोशलिस्ट सिस्टम को आप कह सकते हो कैसे भी करके इम्प्लीमेंट किया जाए या उसको ओवरथ्रो ना करे जो भी नई टेक्नोलॉजी टूल्स तैयार हो रहे हैं। स्टेट की पावर है उसको सबवर्स ना करे, दैट मींस गवर्नमेंट को अंडरमाइन ना करे, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ना बने। इसके अलावा जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स बने वो सेपरेटिज्म को प्रमोट नहीं करने वाले होने चाहिए, ठीक है, नेशनल यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले चाहिए, टेररिज्म को बढ़ावा ना दे, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा ना दे, एथनिक हेट्रेड को बढ़ावा ना दे, वायलेंस को बढ़ावा ना दे, गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने वाला काम ना करे। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से भी स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट के अथॉरिटी को चैलेंज करने का कोई भी काम करे उसको रोका जाए, या फिर जो चाइनीज टिपिकल वैल्यूज हैं उनको चैलेंज करने वाली कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जनरेटिव टूल्स तैयार ना किए जाए, ठीक है। इसमें ये भी बोला है कि अगर कोई कंटेंट यूज़ किया जाता है दैट शुड बी ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट, और साथ में फॉल्स इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करने वाला कोई भी काम नहीं होना चाहिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है, कोई भी तरीके से यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब इस ड्राफ्ट नोटिस में एक तरीके की गाइडलाइंस भी है और साथ में एक कमेंट भी मांगे गए हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर ड्राफ्ट रिलीज होता है ना बिल के। अब देखो यहाँ पर एक तरफ तो चैट जीपीटी जैसे सिस्टम होंगे और दूसरी तरफ चाइना का एरेनी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होगा। अब चैट जीपीटी तो आपको पता है ऐसी सोसाइटी में डेवलप हुआ है जो लिबर्टी की बात करते हैं, जो कंपटीशन की बात करते हैं, जो इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करते हैं, अमेरिकन सोसाइटी का माहौल आप समझो, ठीक है। और एरेनी जो कि चाइनीज एनवायरमेंट में डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट या फिर कहो कि कार्ल मार्क्स या माओ की जो आइडियाज थे कि सारे काम गवर्नमेंट को अपने हाथों से करने चाहिए, कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए बजाय के इंडिविजुअल के। तो कहने का मतलब ये कंपटीशन चल पड़ेगा कि एक तरफ आइडिया चल रहा है चाइना का, एक तरफ आइडिया चल रहा है यूएसए वाला कैपिटलिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी वाला, और दूसरी तरफ हो गया सोशलिज्म वाला कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला। तो अगेन वही कोल्ड वॉर वाले सिनेरियो को आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कॉम्पिटिशन बोला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो देखो चाइना नो डाउट एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ की सरकार सारे काम करती है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सब कुछ करती है, पर सच मायने में चाइनीज सोसाइटी कैपिटलिस्ट हो चुकी है। दूसरी चीज़, सोशलिज्म बहुत हद तक कम हो रहा है वहाँ पर, प्राइवेट कंपनियाँ काम करती हैं ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब से डेंग जियाओपिंग ने 1970s के टाइम से ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की थी तब से चाइनीज सोसाइटी बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, ठीक है। साथ में चाइना का जो मॉडल है एरनी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट मैंडेट को फॉलो करने की बात कर रहा है, और वहीं पर चैट जीपीटी वो एकदम लिबरल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की बात करता है। पर यहाँ पर एक कंसर्न है, एक कैवियट है, वो क्या कि चैट जीपीटी को डेवलप करने वाली जो टीम है उसमें फाउंडर है सैम ऑल्टमैन। इनका क्या कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट की तरफ जितना ले जाया जा रहा है, बोला उसी में कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना होगा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से सोच करके खुद का काम करना शुरू कर दे, एआई बेस्ड जो भी टूल्स हैं, और वहां पर ह्यूमन उनको रेगुलेट भी नहीं कर पाए। आप इमेजिन कर सकते हो रजनीकांत की जो मूवी आई थी रोबोट, उसमें वो चिट्टी किस तरीके से सारा अपना सिनेरियो ही पूरा एकदम चेंज कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन आप तैयार कर रहे हो तब तो हो सकता है ह्यूमन को फील हो कि मैं अपने हिसाब से इस मशीन को डिज़ाइन कर रहा हूँ, पर पता पड़े कि वही मशीन फिर बाद में खुद से थिंकिंग करके और खुद से ही नए टूल्स अगर डेवलप कर ले तब आपको रियलाइज होगा कि हाथ से तीर निकल चुका है। तो ऐसे में बोले यहाँ पर कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है।
अब देखो राइटर ये बोलना चाह रही है कि चाइना के जो साइबर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नोटिस डिक्लेयर किया है ना, बोला उसमें आर्टिकल 4 जिस तरीके की गाइडलाइंस दे रहा है उसमें एक चीज बड़ी गजब की बोली है कि जो भी रूल रेगुलेशंस आर्टिकल 4 के बेसिस पे बोले गए हैं, कि मान लो आप कोई भी प्राइवेट एजेंसी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, और जो प्रोविजंस हमने देखे प्रीवियसली, जो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, अगर उन प्रोविजंस को किसी ने फॉलो नहीं किया, इन प्रोविजंस की बात कर रहे हैं है ना, अगर इन प्रोविजंस को किसी ने फॉलो नहीं किया ना, तो कड़ी से कड़ी सजा का भी प्रोविजन किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि चाइना के जो लॉज हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी लॉ ऑफ द साइबर सिक्योरिटी लॉ है चाइना का, और एक है वहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ है, ठीक है, तो बोले इन दोनों लॉज के बेसिस पे पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई प्रोडक्ट या सर्विस देने की कोशिश करता है। तो ऐसे में एक स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। चाइना ने अपनी तरफ से कोशिश क्या की है कि कैसे भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक पोटेंशियल है उसको जितना ज़्यादा चाइनीज लोग एक्सप्लोर करें उससे पहले ही उसके ऊपर लगाम लगा दी जाए। और यहाँ पर टू प्रोंग्ड अप्रोच हम समझ सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच तो चाइना की क्या है, मेक द प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग लॉज। इसका मतलब कि अगर किसी भी मॉडल को या किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल को बनाने में कहीं पर भी चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए कानूनों को अगर वायलेशन में देखा गया, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो बनाया गया है ना टूल, बोलो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। दूसरी चीज क्या कर दी कि टू मैंडेट दैट एआई प्रोडक्ट इज फर्स्ट सबमिटेड टू द रेगुलेटर। और दूसरा प्रोविजन क्या किया जा रहा है कि दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, पहला तो क्या हो गया कि अगर कोई डेवलप कर रहा तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टूल में अगर कोई गड़बड़ होती है तो। और दूसरा कि जब कभी भी आप कोई नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल अगर तैयार कर रहे हो तो आप पहले वो गवर्नमेंट को सबमिट करोगे। इसका मतलब क्लियर कट स्क्रीनिंग और सेंसरशिप इंप्लीमेंट की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले चेक करेगी, गवर्नमेंट की एजेंसी को लगेगा कि इस नोटिस के आर्टिकल 4 के जो प्रोविजन है उनका कहीं पे वायलेशन है, तो उस फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी टूल्स हैं उनको फिर बैन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये दो प्रोंस जो दो अप्रोचेज है ना चाइना की, ये क्या क्या शो कर रही है कि एक तरफ तो आप इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनको लिबरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, और दूसरी तरफ इन्हीं को कंटेन करने के लिए चाइना ने अपनी तरफ से पॉलिसी तैयार कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल रहने वाली है और दूसरा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। अब आप देखो कि यहां पर सवाल है कि एक क्लैरिटी ये नहीं है कि किसी और मतलब किसी प्रोग्राम को किसी ने डेवलप करवाया है ना, एक तो फंड देने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और एक हो गया एक्चुअल में जो कोडर्स हैं जिन्होंने कोडिंग किया वो हो गए प्रोग्रामर। तो यहां पर प्रोग्रामर्स की क्या लाइबिलिटी होगी उसके बारे में बोलो कोई क्लैरिटी नहीं है, बट यस ऑर्गेनाइजेशन जो भी इस तरीके के प्रोग्राम डेवलप करवाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे तय होगी। तो ये हो गया चाइना का मॉडल। अब देखो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन की बात करें एआई को लेकर के, तो एक तरफ तो चाइना का मॉडल हमने डिस्कस किया और दूसरी तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स का। वहां पर व्हाइट हाउस के द्वारा एक ब्लूप्रिंट रिलीज किया गया जिसको बोला गया एआई बिल ऑफ राइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्स ऑफ राइट्स। इसमें क्या बोला गया, इसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसमें मेन तो काम क्या होता है कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ना होने दिया जाए। कैसे, इसमें साफ साफ बोला है कि अगर दो इंडिविजुअल्स किसी भी एक प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं जो कि एआई बेस्ड है, और उस प्रोग्राम की एल्गोरिदम के द्वारा अगर किसी इंडिविजुअल के साथ में रेस, कलर, एथनिसिटी, सेक्स, रिलीजन, एज, नेशनल ओरिजिन, किसी भी बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फिर उसके बाद में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब इंडिविजुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे केवल एक लगाम है, वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आप कह सकते हो इंडिविजुअल के अधिकारों की बात की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, साथ में इंडिविजुअल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये है मेन मुद्दा कि प्रोग्राम जो है
जिसको भी आप इंटरनेट बेसिस पे आई एआई बेस्ड टूल को यूज़ कर रहे हो, उसमें दो इंडिविजुअल अगर अगर अलग अलग रिलीजन, अलग रेस, किसी भी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करने की बात की जा रही है। तो ये मॉडल है अमेरिकन और यूरोपियन मॉडल। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी तैयारी होगी ना, उसके दो मॉडल हो सकते हैं, एक तो चाइनीज मॉडल जिसमें स्टेट कंट्रोल रखेगा, और दूसरा होगा अमेरिकन मॉडल जिसमें इंडिविजुअल सेंट्रिक राइट्स होंगे, जिसमें जो ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होते हैं जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, है ना, इन चीज़ों को प्रमोट करना, इंडिविजुअल की फ्रीडम प्रमोट करना, वो तो बोले इस तरीके के दो मॉडल्स में होगा। और सीधी बात लास्ट में क्या कही है कि जो भी स्टेट, जो भी देश, जिस भी देश की सरकार अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहेगी, ये मान के चलो कि चाइना का जो मॉडल है वो लगभग लगभग फॉलो किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल, बहुत गजब का आर्टिकल, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड। इसमें क्या बोला गया है, अप होल्डर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आर्टिकल को लिखा राम माधव जी ने। देखो इनका क्या कहना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की विजिट पे गए और वहाँ पर इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप को एक और स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करने का मौका मिला। दिन रहा 14 जुलाई का। 14 जुलाई का दिन होता है वो बेस्टिले डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है फ्रांस में। अब समझते हैं बेस्टिले डे क्या है, के आर्टिकल्स में इसके बारे में कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट नहीं समझाया गया था। देखो 1789 में जो पेरिशियंस है ना, पेरिस के जो लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उस टाइम का राजा था फ्रांस का लुई 16th, उसके खिलाफ में ये विद्रोह इतना गजब का हो गया कि वहाँ पर प्रिजन फोर्ट्रेस जिसका नाम है बेस्टिले, वहाँ पर लोग पहुँच गए और आप देखोगे अंदर घुस के, और फिर वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिनको लुई 16 ने जेल में डाल रखा था उनको फ्री करवा दिया। कहने का मतलब जो राजा की पावर थी ना उसको सीधा चैलेंज कर दिया था वहाँ के लोगों ने। ये वो समय था, ये वो रिवॉल्ट था जिस समय पर फ्यूडलिज्म जो था फ्रांस में वो ख़त्म हुआ। इसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स पे काम हुआ। कहने का मतलब अधिकार, मतलब लोगों के और जो वहाँ के लोग थे, फ्रेंच सिटीजन्स थे, उनके अधिकारों की बात की गई, ना कि मोनार्क के पावर की बात की गई। फ्रांस जो है वो लेस पायस देश द्रोइते दे ले होमे, दैट मींस लैंड ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पे इमर्ज होके आया। ये हम बात कर रहे हैं 1789, दैट मींस फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका लीडर कौन निकल के आया था फिर बाद में आपको पता है, नेपोलियन बोनापार्ट। वो बात अलग है, वो खुद डिक्टेटर बन गया था बाद में। फ्रांस की हिस्ट्री बड़ी गजब है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि फ्रांस में मोनार्की को ख़त्म करके लोगों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई हुई थी, उस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए जुलाई 14 को बेस्टिले डे के तौर पे या फ्रेंच नेशनल डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी से फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे प्रिंसिपल्स निकल के आए, और आप जानते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन प्रिंसिपल्स के लिए जगह है, और वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। अब देखो इंडिया फ्रांस की हम बात करें, देखो इंडिया फ्रांस दोनों शेयर्ड वैल्यूज पे काम करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे के ऐसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए हैं और उसको हम प्रमोट भी करते हैं। दूसरा, लिबर्टी का कॉन्टेक्स्ट केवल इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं दोनों कंट्रीज लिबर्टी का मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। दैट मींस कि एक कंट्री जब अपनी चॉइस खुद से बिना किसी दूसरे कंट्री के प्रेशर के एक्सरसाइज कर रहा है तो इसका मतलब वो लिबरल कंट्री है, दैट मींस वो फ्रीडम गेन किया हुआ कंट्री है, दैट मींस वो कंट्री सोवरन है, और इसी को बोल दिया जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बोलो फ्रांस भी इस चीज़ को प्रमोट करता है और इंडिया भी इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो ये हुई ना बात। फिर आगे देखो, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो बीजिंग की विजिट पे आते हैं अप्रैल 2023 में, और उन्होंने उस सेशन में ऐसी ऐसी बातें बोल दी जो कि वेस्टर्न यूनिटी के ऊपर सवाल उठाने लग गई थी। क्या बोला उन्होंने, बोले यूरोप फालतू में टेंशन में आ रहा है जबकि लड़ाई यूरोप की एक्चुअल में है ही नहीं। ये रशिया यूक्रेन का जो वॉर है इसको लेकर के यूरोप टेंशन में क्यों आ रहा है? यहाँ पर रशिया ने अगर यूक्रेन पर अटैक किया तो वो कहीं ना कहीं उसके खुद के कंसर्न है, खुद के टैकल करने का मुद्दा है। डायरेक्टली नहीं बोला पर इनडायरेक्टली ये निकल के आया था, राइट। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखाता है ताइवान की तरफ, तो उसको भी लेकर के फ्रांस ने क्लियर कह दिया था कि
अगर इधर मतलब ताइवान का कोई इशू रहे, यूक्रेन का कोई इशू रहे, तो बोलो वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा इशू है, यूरोप के पूरे का इशू नहीं हो सकता है वो, यूरोप में बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट तो बोल दिए इमैनुअल मैक्रो ने। क्यों बोला? इसके पीछे लॉजिक था कि यूएसए जो है ना वो अपने एजेंडाज को एक तरीके से थोपता है, और ये काम अभी से नहीं हो रहा है, जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से लेकर अभी तक अमेरिका ने अमेरिकन हेजेमनी जब भी एक्सरसाइज की है, तो ऐसी परिस्थितियों में नेटो फोर्सेस को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि नेटो का एग्रीमेंट क्या कहता है कि अगर किसी भी एक नेटो मेंबर पे अटैक हुआ तो बाकी नेटो मेंबर्स को साथ देना होगा। अब आप देखोगे इस प्रोविजन का यूएसए ने बहुत गलत यूज किया, जैसे अफगानिस्तान में इन्वेड करके, अफगानिस्तान वाला तो चलो ओसामा बिन लादेन का केस था, पर जो सद्दाम हुसैन वाला केस था ना 2003 का, वो नॉर्थ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पर अरब स्प्रिंग को प्रमोट करने का जो काम किया अमेरिका ने, वो ये सारे सिनेरियोस क्या शो करते हैं कि यूएसए के एजेंडा को यूरोपियन कंट्रीज को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो नेटो के मेंबर हैं। अब ये तो चलो मैक्रो के स्टेटमेंट थे, वहीं पर नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे, उन्होंने नेटो की अपनी मीटिंग में क्या बोला, बोले कि आप देखो कि आप किसी के अगर दोस्त हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके गुलाम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएसए हमें डिक्टेट करे, यूएस जो चाहे वो हम करें, बोले ये ठीक बात नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, फ्रांस जिसके साथ चाहे उसके साथ रिश्ते बनाए, फ्रांस जिसके साथ चाहे उसके साथ में अपने रिलेशनशिप मेंटेन करे, और इसी बात को इंडिया भी कंटिन्यू करता है। फ्रांस ना तो किसी को डिक्टेट करना पसंद करता ना डिक्टेट होना चाहता है। 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस टाइम पर फ्रांस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, बता चुका हूँ ये बात आपको प्रीवियसली। उस टाइम पर फ्रेंच प्रेसिडेंट जैकीज शिराक, इन्होंने क्या कहा, बोला इंडिया को पनिश करने की क्या जरूरत है, बोला आप देखो कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन तैयार करके बैठे हुए कई देश बैठे हैं, इंडिया के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो बोले ये एनामली है, ये तो गलत है इंडिया के साथ में, इंडिया को खुद का न्यूक्लियर वेपन बहुत जल्दी तैयार कर लेना चाहिए था। ये बात फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट में आई थी, और यही वो समय था 1998 का जब इंडिया और फ्रांस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। फ्रांस के साथ में हमारी 2008 में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए एग्रीमेंट भी साइन होगा, उसके बाद में सी बेड से लेकर के स्पेस, दैट मींस हम ओशन एक्सप्लोरेशन या स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आज हम साथ मिलके काम करते हैं। फिर आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल तो ये कि मल्टीपोलैरिटी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कहने का मतलब कि दुनिया में केवल दो ही धड़े नहीं है, या फिर एक ही पावरफुल कंट्री नहीं है, एक यूएसए और दो धड़े, इसका मतलब एक चाइना और यूएस, बोला ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में मल्टीपोलैरिटी है, बहुत सारे पोल्स हैं, बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, बहुत सारी मेजर पावर्स हैं, बोला उन सबको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप मल्टीपोलैरिटी को एक्सेप्ट करते हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एक पॉसिबिलिटी को अलाउ करते हो, हर एक कंट्री को फ्री छोड़ते हो कि वो अपनी चॉइस अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर सके। तो बोला एक तो ये होती है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मेन थीम, मेन प्रिंसिपल, और दूसरा क्या होता है कि सोवरन इक्वालिटी पे आप फोकस करते हो, दैट मीन्स कि जितना आप अपनी पावर और अपनी रिस्पेक्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न्ड हो, उतना ही आप दूसरों की चीज़ों को भी उतना ही तवज्जो दे करके चलो, दैट इज सोवरन इक्वालिटी। तो बोले ये दो चीज़ें मिलकर के और फिर बनती हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये स्लाइड बहुत काम की है, ध्यान रखना, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड रहते हैं, PSIR आपका ऑप्शनल है, या फिर आप देखते हो आपका GS पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन वाला है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे लिखना हो तो ये बहुत गजब की बात लिखी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में आप देखोगे, या फिर सोवरन इक्वालिटी का जो सेकंड प्रिंसिपल बोला गया है, सेकंड प्रिंसिपल, इसको पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स भी बोला जाता है, जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों एक दूसरे को बराबर समझ के चलते हैं, ठीक है। अब दोनों मेजर पावर्स यूएस और चाइना की अप्रोच की बात करें, ये बोला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली है ही नहीं, ये क्या सोचते हैं, चाइना चाइना तो मिडिल किंगडम के आइडिया पे चल रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जोंगू, जोंगू का मतलब बोला ऊपर तो है स्वर्ग, नीचे है नर्क, और बोला बीच में इन नर्क वाले लोगों को उठा करके स्वर्ग तक पहुंचाने का काम करता है चाइना का किंगडम, मतलब ऐसी सोच के साथ में तो चाइना चलता है। तो क्या चाइना दूसरे को अपने बराबर कंसिडर कर रहा है? नो। यूएसए, यूएसए ने तो अपनी हेजेमनी किस तरीके से एक्सरसाइज की थी, आप देख सकते हो 12th क्लास की बुक, अभी तो वो चैप्टर हट गया है, पुरानी वाली जो PDF है वो डाउनलोड करके देखो, या पुरानी वाली बुक डाउनलोड करके देखो, उसमें आप पढ़ोगे कि जॉर्ज बुश, ठीक है, क्या कहा, इधर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी, सीधी ये बात कही, या तो आप मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ में हो, क्या कहना चाहता है,
कि भाई मेरे अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है, दूसरी चॉइस अब तो मेरी दुश्मनी है। तो ये चीज़ें तो क्या शो करती हैं कि यूएस और चाइना तो केवल और केवल एक ही चाहते हैं कि हमारे अलाइज है ना वो हमारे फॉलोवर बन के रह जाएं। और यही बात फिर बाद में आपको पता है कि नेटो में नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि भाई हम आपके अलाई हैं, दैट डजेंट मीन कि हम आपके वेसल हैं, हम आपके फॉलोवर हैं। नो, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करने की बात करते हैं। इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के काम कर रहा है। अब ग्लोबल साउथ के लिए जनरली ये बोला जाता है, बोला ये जियोग्राफिकल या इकोनॉमिक आइडिया है, बोला नो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में अगर आप नोटिस करोगे तो ग्लोबल साउथ में से ही चार बड़ी इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, उनमें से दो ग्लोबल साउथ की निकल के आ रही है, एक इंडिया है, एक इंडोनेशिया, और बाकी दो आपकी हैं ऑलरेडी, चाइना और यूएसए। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लोबल साउथ को आप केवल ज्योग्राफिकल या इकोनॉमिक आइडिया में तो देख रहे हो, पर आप देखो वहाँ की पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलकर के फिर ग्लोबल साउथ बनाती है, जिनमें एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पैसिफिक के वो कंट्रीज आ गए जो पहले कॉलोनीज रह चुके हैं। बेसिकली ये वो कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ जो कि एंटी कॉलोनियलिज्म के लिए फाइट करते हैं, करते रहे हैं, और डीकोलोनाइजेशन को प्रमोट करते हैं कि भाई हमारा हक हमारे हाथ में होना चाहिए, कोई दूसरा हमारा हक कैसे छीन के ले जा सकता है। और जो ये ग्लोबल साउथ है इस पे रूल किसने किया, किसने इनका खून पिया, वो है बोला ग्लोबल नॉर्थ। और फ्रांस इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता बिल्कुल भी कि ग्लोबल नॉर्थ की डोमिनेंस बनी रहे, ठीक है जी, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्लोबल साउथ की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करवाई थी फ्रांस ने। आप देखो ग्लोबल नॉर्थ तो ये वाला पोर्शन है, डेवलप्ड कंट्रीज, ये ज्योग्राफिकल कैसे हो सकता है, ज्योग्राफिकल अगर होता तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, पर फिर भी इनको इंक्लूड किया हुआ है ग्लोबल नॉर्थ में, और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा है ग्लोबल साउथ जो कि पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के ग्लोबल साउथ का काम कैसे कर सकते हैं। देखो अफ्रीका, अफ्रीका की जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल साउथ में है। G20 की मीटिंग में हमने अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स को इनवाइट किया। दूसरा, अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा वेस्ट एशिया वाला रीजन जो है वहाँ पर भी फ्रांस की प्रेजेंस है और इंडिया की भी ट्रेडिशनल अप्रोच वहाँ पर बनी हुई है। कहने का मतलब कि फ्रांस और इंडिया दोनों की कन्वर्जेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया का रोल अगर देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एक नेट पीस प्रोवाइडर की तरह काम करना चाहता है। कहने का मतलब दंगे कोई भी ना करे, शांति से रहें सारे देश। और उसी जगह पे फ्रांस भी इसी चीज़ को यस बोलता है। फ्रांस नेटो पावर है, यूरोपियन पावर है, पर इंडिया में, इंडियन ओशियन में इसकी प्रेजेंस है। जैसे कि एक आर्किपेलेगो है इंडियन ओशियन का जिसका नाम है मेस्केरेनी आर्किपेलेगो, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, मेस्केरेनीज ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसमें रीयूनियन आइलैंड फ्रांस का है। इसके अलावा कॉमोरोस आर्किपेलेगो में आप देखोगे तो मेयोटी आइलैंड है, उस पर फ्रांस की है बात, फ्रांस की पकड़ है। मोजाम्बिक चैनल में इलेस एफरेसिस ये आइलैंड है, इस पर फ्रांस की प्रेजेंस है। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में अबू धाबी में देख लो, दाकर में देख लो, जिबूती में देख लो, ये वो एरियाज हैं जो कि नॉर्थ अफ्रीका या नॉर्थ वेस्ट एशिया के एरिया में लोकेटेड है, वहाँ पर फ्रांस की प्रेजेंस है। और इस चीज़ को आप इस मैप में भी देख सकते हो, मेयोटे, ठीक है, इसी तरीके से ये ग्लोरियसिस आइलैंड, ये रीयूनियन आइलैंड हो गया, ये बेसेडा इंडिया, इस तरीके से ये देख सकते हो जुआन डे नोवा यूरोपा, ये आइलैंड्स हैं जो इस एरिया में लोकेटेड हैं। इस वाले लेजेंड से आप देखो यहाँ पे, तो इनकी आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लोकेशन जरूर देख लेना भैया, प्रीलिम्स वाइज बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि इंडियन ओशियन में फ्रांस की प्रेजेंस है। कंक्लूजन क्या है इसका, लास्ट में राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि 25 साल हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हो गए, तो हमने एक और किक वहां पे मार दिया, वो है होराइजन 2047। ये होराइजन 2047 क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उस टाइम पर आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डायस्पोरा एक्टिविज्म पे फोकस करके आते हैं। इसका मतलब कि इंडियन डायस्पोरा अभी तक वेस्टर्न सोसाइटीज में केवल इकोनॉमिक आस्पेक्ट में काम करता रहा है, बोला उनको अब सिविक आस्पेक्ट में भी काम करने की ज़रूरत है। अब वो पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल बने, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, मोरक्कन, ट्यूनिशियन, ये कंट्रीज़ के लोग हैं ना वहाँ जाके सेटल हो चुके हैं और अपना रोल प्ले करते हैं सिविल लाइफ में, तो बोला इंडिया को भी अब वो करना होगा। इस चीज़ के लिए होराइज़न 2014 का जो टारगेट है वो हम फ्रांस के साथ मिलकर कर सकते हैं। और इंडियन डायस्पोरा की बहुत ज़्यादा इज्जत है देखो दुनियादारी में, ठीक है। फिर लास्ट में एक आर्टिकल बच रहा है मणिपुर में,
देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर सरकार सही समय पे काम नहीं करेगी अब, तो बोला अब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से काम एक्टिवली करेगा। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखो आर्टिकल 32 है ना, ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, और इसकी ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था तो ये था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आप ये बताओ कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो इन्होंने कहा मेरे से अगर ये पूछा जाए तो मैं कहूँगा आर्टिकल 32, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स आप दे रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दे तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर उनकी प्रोटेक्शन आर्टिकल 32 ही करता है। इसलिए मेरे हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल अगर है तो आर्टिकल 32 है। तो यहाँ पर बोला है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के बेसिस पे रिट्स का यूज़ करते हुए और अपना एक्शन कर लेना चाहिए। मणिपुर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी राइज हो रही है। तो देखो डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर आर्टिकल्स हमने देख लिए। पीपीटी में देखो ये बेनिफिट रहता है, बहुत एक कमेंट आ रहे हैं सर ये मत करो ये मत करो, कॉपरेट करो, आपका एक भी वर्ड मैं डिलीट नहीं करता हूँ जो आर्टिकल होता है, एक भी वर्ड डिलीट नहीं करता हूँ, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता पाते हैं चीज़ों को। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बाद में वो डिटैचमेंट रहता है, पीडीएफ आपको मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो थोड़ा कॉपरेट करो, समझाने का तरीका वो होगा, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, गारंटी है। ठीक है, डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।